चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल वाईफाई स्टडी के स्टूडियो चैनल पर। मैं हूँ विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, सब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। और बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों, आइए जल्दी से। और बेटा, एक बार मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार मुझे यस सर करके बता दीजिए सभी लोग। और सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, अपनी अटेंडेंस लगाइए, सभी लोग बताइए कि आ चुके हैं सब लोग। तो वेरी गुड, लवेंदु, कुंज बिहारी, राजकुमार, सभी लोगों का नमस्कार है भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग है भाई। ठीक है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा। सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए भाई क्लास को, ताकि मैं स्टार्ट करूं। और जैसा कि आपको देख रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा हुआ है, तो जिसका पार्ट वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कल इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जो है आपका पार्ट टू हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज भी हम लोग रात में 11 बजे मिल रहे हैं और कल भी हम लोग रात में 11 बजे मिलेंगे बेटा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करता हूं मैं और फिर आते रहेंगे सभी लोग। शेयर कर दीजिए लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं भाई। और बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। तो बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सोमवंशी नाम है मेरा, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। तो लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल जाएंगे। अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कोड यूज करेंगे SVikas10, SVikas10 यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? और सब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को कर सकते हैं, वीकली रिवीजन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। जी हाँ भैया, ये एक एनालॉगी का सेशन है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालॉगी का सेशन है जो हम लोग कर रहे हैं, जो आपके हर SSC एग्जाम के लिए और हर तरीके का स्टेट लेवल का एग्जाम आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको देख रहा है जो है क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए भाई। अनएकेडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद बैंक कैटेगरी सेलेक्ट करिए, ठीक है, बैंक कैटेगरी सेलेक्ट करिए और वहां पर सर्च करिए बेटा, मेरा नाम आएगा विकास सोमवंशी, मेरा नाम सर्च कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लो बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे, मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। ठीक है, जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। क्लियर है? तो मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आगे बढ़ना है। SSC, बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे और 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। मेरा कोड यूज करिए ताकि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाए बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बात करते हैं। रेफरल कोड जरूर चेक कर लीजिए, अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा फॉलो का ऑप्शन मिलेगा, फॉलो करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ फॉलो कर लीजिए। लेफ्ट साइड में बेटा आपको हेड्स मिल रही है, हेड्स को आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस को लेकर आता रहूं। गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। तो बहुत सारे बैचेस आपके लिए बन रहे हैं बेटा, इन बैचेस को आप कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो जो भी आपके हिसाब से बैचेस होगा, आप उनको ज्वाइन कर लें, अपने हिसाब से देख लें कि कौन सा बैच आपको सूट करता है, किस हिसाब से आप करना चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, सभी एग्जाम के लिए मैंने बोला NTPC सभी के लिए भैया। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये भैया फीस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके से, आपको 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की फीसेज आपको दिख रही है। ठीक है, फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SVikas10। मेरा कोड यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत जो है क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। ये मेरा प्लस का बैच चलता है बेटा, तो ये 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है?
ठीक है, मेरा इस बैच को करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बेटा, तब आप इस बैच को कर सकते हैं। मेरा कोड है SVikas10, इसको यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बात कर लें, और ये हमारा रेगुलर शेड्यूल है। रेगुलरली आप लोग अगर मेरी क्लासेस को करना चाहते हैं तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का शेड्यूल आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में अनअकैडमी का शेड्यूल आपको दिख रहा है बेटा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बैट एग्जाम हो रहा है बेटा, हजारों बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए। 50 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 60 क्वेश्चन होंगे, 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी और डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है सभी लोग। और ये एग्जाम बेटा कब होने वाला है बेटा, 3 तारीख को ये एग्जाम होगा सुबह 10 बजे, 3 तारीख को एग्जाम होगा सुबह 10 बजे, यानी कल सुबह 10 बजे ये एग्जाम होगा बेटा। तो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइए भरिए। और जब आप अपने आप को एनरोल करेंगे तो वहां पर आपसे कोड मांगेगा, वहां पर मेरा कोड डाल दीजिएगा SVikas10, मेरा कोड डाल दीजिएगा ताकि आप अपने आप को एनरोल कर पाए बेटा। जाइए बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, और आपको क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से देख लो। जिसको रैंक 1 मिलेगी उसको 12 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बेटा, रैंक 2 जिसको मिलेगी 6 महीने का, 3 वाले को 3 महीने का, और 4 से 200 रहने वाले को 1,000 रुपए के अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे बेटा, जिन्हें अमेजन पे यूज किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, मेरा कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूले। जब आप इसको एनरोल करेंगे तो आपको कोड मांगेगा, मेरा कोड डाल दीजिएगा SVikas10, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और फीस बढ़ने वाली है जैसा कि आपको बताया जा रहा है लगातार, तो 11 तारीख बढ़ गई है भाई फीस की, फीस बढ़ने की डेट बढ़ गई है भाई, 11 तारीख फीस हो गई है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि बढ़ी हुई फीस आपको ना देनी पड़े, बहुत बहुत जल्द सभी लोग जल्दी से भाई ले लो, मेरा कोड यूज कर लीजिएगा SVikas10 ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए बेटा। चलिए, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है, सभी लोग सारी चीजों को समझिए और कर लीजिए भैया जल्दी से, ठीक है ना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए समझिए आंसर करिए, ठीक है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके, मैंने बोला सुजीत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्बैट एग्जाम का एक लिंक मिल जाएगा, सुजीत मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉम्बैट एग्जाम का एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, अपने आप को नाम मोबाइल नंबर जो भी मांगता है दे दीजिए, अपने आप को इनरोल करिए। जब आप इनरोल करने चलेंगे तो आपको कोड मांगेगा, वहां पर मेरा कोड डाल दीजिएगा SVikas10, मेरा कोड है, इसको डाल दीजिए और अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और कल वाला टेस्ट आप दे सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग बताइए भाई, सभी लोग करिए, शेयर कर दीजिए लिंक को और वीडियो को लाइक कर दो बेटा, क्लास के लिंक को लाइक कर दो और शेयर कर दो बेटा। चलो भाई, वेरी गुड, मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दो और लाइक कर दो बेटा, क्लियर है। चल जल्दी से पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, और बताइए आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग देखिए आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। सभी लोग देखिए, मीडियम, एवरेज और साधारण, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ऊपर 3 जो लिखे हैं वो सारे सिनोनिम्स हैं बेटा, यानी पर्यायवाची हैं बेटा। ऊपर जो भी लिखे हैं वो क्या लिखे हैं बेटा, पर्यायवाची लिखे हैं। टेरेबल, टेरेबल का मतलब होता है भयानक, टेरेबल का मतलब होता है भयानक, जो इन सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए बेटा। चलिए चलिए भाई, जल्दी से बता दो बेटा, मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटनेस, इसमें से कौन सा अलग है बेटा, ये आपको बताना है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों लिंक को शेयर कर दो, अपने यार दोस्तों को बुलाओ, सभी लोग छूटा जा रहा है उन सभी लोगों का भाई, जल्दी से बुलाइए सभी लोगों को, सभी लोगों को जल्दी से बुला लो बेटा।
ठीक है, तो देख लो भैया यहाँ पर क्या होगा, मलेरिया, प्लेग और डेंगू। ठीक है, मलेरिया, प्लेग, डेंगू किसी ना किसी कीड़े या जो है के काटने से वो फैलते हैं, लेकिन टिटनेस जो है ऐसा किसी तरीके से नहीं फैलता है। ठीक है, टिटनेस इन्फेक्शन से फैलता है बेटा, इसलिए टिटनेस इज द राइट आंसर। टिटनेस बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोट, पपी, काउ और बफेलो, व्हाट विल बी द राइट आंसर। इनमें से फिर से आपको जो भी डिफरेंट है उसको ढूंढना है बेटा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाइए, बिल्कुल जल्दी जल्दी आ जाओ भैया, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ भाई। चलिए भाई, चलिए क्या आंसर होने वाला है इसका, सभी लोग बताओ। वेरी गुड सुजीत, सुबो, हिमांशी, वेरी गुड वेरी गुड, बताओ भैया क्या आंसर होने वाला है। देखो ध्यान से, पपी जो है वो बच्चे का, पपी जो है वो बच्चे को बोलते हैं। गोट एक जानवर है, काऊ एक जानवर है, भैंस एक जानवर है, लेकिन पपी जो है वो कुत्ते के पिल्ले को बोलते हैं। यानी बाकी सब तो जानवर लिखे हैं और बीच में जो पपी लिखा है वो जानवर के बच्चे को बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो पपी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत समस्या महसूस नहीं हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए आंसर करिए बेटा। सभी लोग, सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए समझिए आंसर करिए बेटा। चलिए जल्दी से करिए, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। सुनील कुमार जी डी कह रहे हैं, वेरी गुड। आई चलिए भाई बिल्कुल, सभी लोग देखो ध्यान से, मस्तिष्क को छोड़कर सभी ज्ञान इंद्रियों में आते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? सेंस कर सकते हैं ये, है ना, सभी ज्ञान इंद्रियों में आते हैं जो सेंस कर सकते हैं। क्लियर है? यानी जिनका जो सेंस कर सकते हैं वो सब कहलाते हैं ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, लेकिन ब्रेन अलग चीज है, तो ब्रेन इज द राइट आंसर, जो अलग है हमें उससे ढूंढना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से पढ़िए जल्दी से जवाब दीजिए। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम, व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए, वेरी गुड, आंसर क्या होने वाला है सभी लोग बताइए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ थ्री, चूज द आउट ऑड वन। तो जो भी डिफरेंट है वही आपको आंसर ढूंढना है, और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, शेयर कर दो भाई जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, चलिए भाई आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होगा। नमस्कार खुर्शीद आलम, नमस्कार खुर्शीद आलम, आयुष, अच्छा गैलन, गैलन सभी लोग बता रहे हैं, वेरी गुड, गैलन इज द राइट आंसर। क्योंकि बाकी सभी यानी नीचे की जो तीनों चीजें हैं वो सभी सॉलिड को वेट नापने के लिए यूज करी जाती है, सॉलिड
किसी सॉलिड का वेट नापने के लिए करी जाती है, जैसे टन है, क्विंटल है, किलोग्राम है, किसी सॉलिड को नापा जाता है तो ये। लेकिन गैलन ऐसा नहीं है, तो गैलन इज द मतलब गैलन हमारा आंसर हो गया। गैलन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों को, जल्दी से पढ़ो भैया। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए भाई, टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर और कॉटन, व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए भैया सभी लोग। सभी लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दो और लाइक कर दो बेटा। चलो चलिए जल्दी भैया, जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर। सभी लोग बताइए बेटा, सभी लोग बताइए। वेरी गुड, बी आंसर बता रहे हैं सभी लोग। देखो, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, टेरिलीन और नाइलॉन, ये सब कृत्रिम रेशम है, ये सब कृत्रिम है, ठीक है। लेकिन कॉटन जो है वो नेचुरल होता है बेटा, कॉटन जो है वो नेचुरल होता है, इसलिए कॉटन इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। कॉटन जो है वो नेचुरल होता है, इसलिए वही अलग है, बाकी सब गलत है। गलत मतलब बाकी सब डिफरेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मशरूम, ईस्ट, मोल्ड और स्मट, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए। चलो जल्दी से बताओ भैया। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। चलिए सभी लोग बताइए। वेरी गुड, सभी लोग देखो बेटा, देखो देखो, मशरूम, खमीर और मोल्ड, ये सब फंगी कहलाते हैं। फंगी बोलते हैं ना बेटा, अब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है इसे क्या बोलते हैं। कवक, कवक बोलते हैं शायद, कवक, ठीक है। लेकिन मैल अलग है बेटा, मैल अलग है ना। ऊपर वाली तीनों चीजें फंगी कहलाती है, ठीक है, बाकी सब जो मैल है वो अलग है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। बैंगलोर, नागपुर, भोपाल, रांची, व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, जल्दी बताओ। चलिए जल्दी से करो भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग लिंक को शेयर करो, लिंक को शेयर करो बेटा, चलो जल्दी करो। चलो जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, बताओ भैया क्या आंसर होगा, सभी लोग बताओ। अरे भैया, नागपुर आंसर होगा कि नहीं होगा यार, नागपुर आंसर होगा, बिल्कुल क्लियर तो है। देखो, बेंगलोर जो है राजधानी है, भोपाल राजधानी है, रांची भी राजधानी है, लेकिन नागपुर थोड़ी ना राजधानी है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, वुड, कॉर्क, स्टोन और पेपर, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्लियर है? चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए, सभी लोग बताइए भैया। देखो ध्यान से, स्टोन को छोड़कर, स्टोन को छोड़कर बाकी तीनों चीजें किसी ना किसी तरीके से पेड़ से पाई जाती हैं। स्टोन को छोड़कर बाकी सभी चीजें किसी ना किसी तरीके से पेड़ से पाई जाती हैं, ट्री से पाई जाती हैं, इसलिए स्टोन विल बी द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीणा, सितार, ड्रम, गिटार। चलिए मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वीणा, सितार, ड्रम, गिटार, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्लियर है? जल्दी से बताइए भैया। चलिए जल्दी से बताओ, स्टोन मतलब पत्थर, राजा जी पूछ रहे हैं स्टोन का क्या मतलब होता है। राजा, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, स्टोन का मतलब पत्थर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। ड्रम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ड्रम को छोड़कर बाकी सभी में तार का यूज किया जाता है, बाकी सभी में तार का यूज किया जाता है, सभी में वायर्स लगे होते हैं बेटा, वायर। ड्रम को छोड़कर बाकी सभी में तार यूज किए गए होते हैं, इसलिए ड्रम विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ये मेरा एक प्लस का बैच चल रहा है बेटा, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको S Vikas 10 मेरा कोड यूज करना पड़ेगा और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अनएकेडमी पर। ठीक है, चलिए मैं नाम ले लेता हूँ, विक्की जी कह रहे हैं, मेरा नाम ले लीजिए सर, विक्की, जितेंद्र, आयुष, मोहित, उसके बाद इनोसेंट किलर, जितेंद्र, आयुष, तुली, सुनो, नहीं, सुवो मंडल, आयुष, शिखा, मनीष, हिमांशी, विशाल, राजा, DK, मोहित, चलो बहुत, सलालुद्दीन, जितेंद्र, पल्लवी, आयुष, सभी लोग, शिखा, वेरी गुड, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए। रेगुलर पढ़ते रहिए भाई। चलिए ये मेरा शेड्यूल है, आप सभी लोग रेगुलरली मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज के जैसी आपको क्लास करनी है तो आप लोग मुझे सुबह 8 बजे मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई स्टडी SSC एग्जाम चैनल पर, जहां मैं, समझिए मेरी बात, जहां मैं आपको मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासिफिकेशन की क्लासेस कराऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिरेंज, ट्वीजर, ड्रॉपर और स्ट्रॉ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताओ। जितेंद्र जी, वेरी गुड, वेरी वेलकम बेटा, जितेंद्र, देशमुख, सभी लोगों का वेरी वेलकम। चलो भाई देख लो बेटा, यहाँ पर ट्वीजर इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सभी चीजें जो है वो एयर के प्रेशर पर काम करती है, बाकी सभी चीजें जो है वो एयर के प्रेशर पर काम करती है, ट्वीजर बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर और निम, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा।
देखिए हमेशा ध्यान से सुनिए, सुन लीजिए, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं बेटा जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी। समझ में आ रहा है? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। निम जो है वो कॉकरोच का बच्चा कहलाता है, ठीक है? यंग कॉकरोच। निम जो है वो क्या कहलाता है? यंग कॉकरोच, कॉकरोच, ठीक है, यंग कॉकरोच। लेकिन बाकी सभी जो है वो तितली की लाइफ साइकिल है, तितली यानी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है सारी, ठीक है? तो इसलिए ये अलग हो गया, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है ऊपर वाली तीनों। क्लियर है? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। नेम यानी युवा तिलचट्टा इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला, नेकलेस ऑर्नामेंटल बैंगल रिंग व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इस वक्त आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग बताइए बेटा क्या आंसर होने वाला है, सभी लोग बताइए। देखिए ध्यान से भाई, नेकलेस, देखो भाई, नेकलेस, बैंगल और रिंग्स ये सभी ऑर्नामेंट्स में ही तो आते हैं, ये सभी ऑर्नामेंट्स में ही तो आते हैं भैया। ऑर्नामेंट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई? हार, ठीक है, चूड़ी, अंगूठी, ये सब ऑर्नामेंट्स में ही तो आते हैं। ऑर्नामेंट विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगल स्क्वायर क्यूब ट्रेंगल, करिए जल्दी से। रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल और क्यूब, चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से करिए भैया। चलिए तो देखिए सभी लोग, बिल्कुल बहुत ही आसान सा है ये। देखो रेक्टेंगल स्क्वायर और ट्रेंगल ये सभी टू डायमेंशनल फिगर होते हैं बेटा, ये सभी 2D फिगर्स हैं, लेकिन क्यूब एक 3D फिगर है। क्यूब विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? रेक्टेंगल स्क्वायर और ट्रेंगल ये सभी 2D फिगर्स काउंट होते हैं, लेकिन क्यूब जो है वो एक 3D फिगर है बेटा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोग गलत हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, अलमीरा रैक सेफ और कप बोर्ड व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलिए अलमीरा यानी कप बोर्ड, रैक और सेफ, टू डी थ्री डी का लॉजिक है भाई, आयुष, 2D 3D का लॉजिक है, चौकोर तिकोना का लॉजिक नहीं है। चलिए चलिए रैक बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बाकी अलमारी, सेफ और कपबोर्ड ये सभी क्लोज्ड होती हैं। ये सभी कैसी होती हैं बेटा? क्लोज्ड यानी बंद होती हैं ये सब, लेकिन रैक बंद भी हो सकती है, खुली भी हो सकती है। रैक विल बी द राइट आंसर। रैक बिल्कुल सही जवाब है बेटा, रैक। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउस वॉल रूफ बीम, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताओ भैया।
वेरी गुड, ए आंसर है इसका, इसका ए ऑप्शन आंसर है, क्योंकि बाकी सभी जो है वो हाउस का पार्ट है, बाकी सभी चीजें जो है वो हाउस का पार्ट है, ठीक है, इसलिए हाउस आंसर हो गया। वॉल जो है हाउस में होती है, रूफ जो है हाउस में होती है, बीम जो है वो हाउस में होती है, बाकी सभी हाउस का पार्ट है बेटा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से करिए, जल्दी से बताइए भैया, सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कर लो। चलो जल्दी से करो। चलो बेटा, बहुत बहुत आसान सा था। एलिवेशन ऊंचाई, एलिवेशन मतलब लिखा है ऊंचाई, और बाकी सभी तो सिनोनिम्स है बेटा, बाकी सभी तो सिनोनिम्स है, सुधार की बात हो रही है सब में, बाकी सभी सिनोनिम्स है, सबसे लास्ट वाला अलग है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्राई सॉब वीप लाफ, व्हाट विल बी द राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं ऋषि। चलिए सभी लोग बताओ बेटा, सभी लोग बताओ। बात समझ में आ गई होगी, बाकी सभी सिनोनिम्स है, लाफ विल बी द राइट आंसर, लाफ बिल्कुल अलग आंसर है, क्लियर है। लाफ बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया होगा, आंसर है बिल्कुल, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए। सीमेंट पेस्ट ऑयल ग्लू, चलिए सीमेंट पेस्ट ऑयल ग्लू क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग भाई देशमुख जी, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा। सभी लोग देख लो, यहाँ पर ऑयल अलग है बेटा, क्योंकि बाकी सभी चीजें किसी न किसी चीज को जोड़ने के लिए यूज करी जाती हैं, यहाँ पर ऑयल हमारा आंसर है, क्योंकि बाकी सभी चीजें किसी न किसी को जोड़ने के लिए यूज करी जाती है, लेकिन ऑयल जोड़ने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ऑयल इज द राइट आंसर। चलिए अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइए बेटा। चलिए सभी लोग जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए बेटा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर होने वाला है। वेरी गुड, डी विल बी द राइट आंसर, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सभी चीजें तो अर्थ से रिलेटेड है, लेकिन ज्वालामुखी अलग है बेटा, ज्वालामुखी बिल्कुल अलग है, ज्वालामुखी इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। ये मेरा प्लस का बैच चल रहा है बेटा, 10 तारीख से बैच स्टार्ट है, और इसमें मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है, 1 बजे दोपहर में बैच चलता है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करिए S विकास 10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए बेटा।
ठीक है, ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। आप सभी लोगों से विनती है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर मेरी क्लासेस में आप आ सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस को लेकर आता रहूं। रेगुलर मेरी क्लास में आइए सभी लोग, ठीक है ना। तो चलिए भाई, और मेरा कोड यूज करिए SVikas10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए बेटा। अनएकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बेटा। जैसा कि आपको बताया, फीस बढ़ने की डेट बढ़ गई है, जो कि 11 जनवरी हो गई है। तो बिल्कुल आप सभी लोग एज सून एज पॉसिबल अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई, जल्दी से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए। दिल से धन्यवाद है आप सभी लोगों का, जो भी लोग मेरी क्लास में आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। कल फिर हम लोग रात में मिलेंगे 11 बजे फिर से इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का, घर में रहिए सुरक्षित।